प्लीज दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज हम भिन्नों का जोड़ आपको करके दिखा रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, इन एग्जांपलों को हम ऐसे सोल्व तरीके से, मतलब आसान तरीके से आपको समझाएंगे भी, ताकि आप उसे आसानी से समझ सके। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए है, भिन्न जिसको हम बटे में जो संख्या होती है उसे हम भिन्न कहते हैं। तो प्लीज आप चैनल पर है, आप सभी का एक बार फिर से मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाई जैसे हमने ये कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो सबसे पहले हम हमारे पास 2/4 और 3/5, तो इनको हम सोल्व कैसे करते हैं, इनको हम यहां सोल्व करके आसानी से आपको समझाते हैं। तो प्लीज वीडियो पर बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल प्रेस जरूर करना, लेकिन आल वाला करना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए, एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 और हमने कुछ 4 एग्जांपल लिए हैं। भाई इन 4 एग्जांपलों को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं वीडियो को, तो आप किसी भी भिन्न का उसको आप जोड़ आसानी से कर सकते हैं। तो चलो हम आपको कर दिखाते हैं। तो एग्जांपल नंबर हम 1 लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, 2/4 और प्लस 3/5, ये हमारे पास ये संख्या है 2/4 और 3/5। इनका हम कैसे लेते हैं, इनको सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इस संख्या को हम अंश कहते हैं और इस संख्या को हम हर कहते हैं। तो उन संख्याओं का जोड़ हम कैसे करते हैं, तो प्लीज आप देखते रहना। जैसे हमारे पास संख्या है 4 और 5 का, हम क्या लेते हैं, ये 4 और 5 है हमारे पास है, इन 4 और 5 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम 4 और 5 का दोनों तरीकों से, यह हमारे पास संख्या है तो उसको हम क्रॉस मल्टी के हिसाब से इस संख्या के साथ इसकी मल्टी कर सकते हैं, और इस संख्या के साथ हम 3 के साथ 4 की मल्टी करेंगे, और 5 के साथ हम 2 की भी मल्टी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एलसीएम लेना है तो हम एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो जैसे हमारे पास 2 × 4 और 5 के 5 आएंगे, अब इसके अंदर 2 × 2 और 5 के 5, और आप ये 5 से जाएगी और 5 × 5, 2 × 2 = 4। अब इनकी हम मल्टी कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 2 × 2 = 4, 4×5 = 20। अब हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, हमारा एलसीएम 20 आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी मल्टी कर सकते हैं, इन दोनों के साथ इसकी मल्टी कर सकते हैं, 4×5 = 20, उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जैसे 4 की टेबल कहाँ लग पड़ते हैं, 4 का पाड़ा कहाँ लग पड़े, हमारे पास 20 आते हैं। भाई 4 का पाड़ा हम 5 लग पड़ते हैं, 4×5 = 20 होते हैं, उस 5 के साथ हम 2 की गुणा करेंगे, 5 × 2 हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास इसके अंदर प्लस है तो नीचे हम प्लस डाल देते हैं। अब 5 की टेबल पढ़ते हैं, 5 की टेबल कहाँ लग पड़ते हैं, हमारे पास 20 आए तो 5 की टेबल हम 4 लग पड़ते हैं, 5×4 = 20 होते हैं, उस 4 के साथ हम 3 की मल्टी करेंगे, 4×3 कितना आएगा, 12 आएगा। अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास बीच में ही क्या है, प्लस है। 0 में 2 जोड़ेंगे, 2×1 = 2 आएगा, और नीचे हमारे पास एलसीएम हमारा है 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम अगर एक टेबल से कटती है संख्या तो इसको हम काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, जैसे हम 2×2, 2×2 और 2×2 और 0 लगा देते हैं हम, और 11/2 हमारे पास ये 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना, लेकिन आल वाला करना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 करेंगे हम। अगर आप पूरी तरह से वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी भी भिन्न का जोड़ आसानी से कर सकते हैं, मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो। उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास 1/2 और प्लस 3/4 और प्लस 5/6 है हमारे पास। अब जैसे हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, या तो एक
तरीका बताया था हमने भाई एलसीएम लेके उसको हम सोल्व कर सकते हैं या फिर उसकी हम टेबल लिख सकते हैं। भाई जो टेबल में कॉमन होता है वो हमारा क्या आता है, एलसीएम आता है। जैसे हम दो की टेबल पढ़ते हैं, दो छिके 12 होते हैं, चार तीये 12 होते हैं और छह दुनी 12 होते हैं, क्योंकि इन तीनों की टेबल में क्या आता है, 12 आता है। अगर हम एलसीएम लेके हिसाब से निकालते हैं तो फैक्टराइजेशन, जिसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं, उस तरीके से भी इसको हम एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे है तो हमें इसको अभी बताया था भाई दो छिके 12, चार तीये 12 और छह दुनी 12, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद हम दो के टेबल कहां लग पड़ते हैं, 12 आते हैं, दो के टेबल दो छिके 12 होते हैं, तो उस छह के साथ हम एक की मल्टी करेंगे, छह एकम छह आता है यहाँ प्लस। अब चार की पाड़ा का अलग पड़ेंगे, चार का पाड़ा हम तीन लग पड़ते हैं, उस तीन के साथ हम इस तीन की गुणा करेंगे, तीन दिया नौ आएंगे, और प्लस अब छह का पाड़ा हम कहा अलग पड़े, 12 है, हम पाड़ा दो अलग पड़ते हैं, तो दो पांचे 10। अब इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, 9 और 6 15, 15 और 10 25, 25 बटे कितना आएगा, 12, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और लेकिन भाई आप बार बार अभ्यास करते हैं किसी चीज का तो वो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, लेकिन दिमाग की कसरत करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी कार्य करते हैं तो दिमाग को कसरत करना बहुत जरूरी है ताकि वो आपको जल्दी से आसानी से आ सके। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो प्लीज वीडियो पर बने रहना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बेल प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। उसके बाद है पार्ट नंबर 2 कर 3 करते हैं हम पार्ट नंबर 2 सॉरी 3 अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, अब हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है, 2/5 प्लस 3/10 और प्लस 7/15। अब उसी तरह जैसे हमारे पास 3 संख्याएं आ जाती है नीचे या 4 संख्याएं आ जाती है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हम उसका टेबल कॉमन जो तीनों तीन अगर 3 संख्याएं हमारे पास तो तीनों के अंदर जो कॉमन होता है वो हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर ऐसे नहीं आता है तो हम गुणनखंड विधि से नीचे वाला जो अंश हर है उसका हम एलसीएम लेकर उसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम अब इसकी पाड़ा पढ़ते हैं, 5 9 50 और 10 5 50, लेकिन 15 के पाड़े में 50 नहीं होते, तो उसके बाद 15 4 60, 10 6 60 और 12 5 60 होते हैं, तो मतलब 15-20 लग तो पाड़े सभी को आते हैं। और अगर नहीं आते हैं तो आप पहाड़ों को जरूर याद कीजिए, अगर मैथ आपको सीखना है तो बगैर पहाड़े मतलब आपको मैथ नहीं आएगा। उसके बाद जैसे हम 15 4 60, 10 6 60 और 12 5 60, भाई 12 का पहाड़ा हम या 5 का पहाड़ा हम अगर 12 लग पड़ते हैं तो हमारे पास 60 आते हैं, 10 का पहाड़ा हम 6 लग पड़ते हैं तो 60 आते हैं, और 15 का पहाड़ा हम 4 लग पड़ते हैं तो 60 आते हैं, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा इसके अंदर, 60 आ जाएगा, हमारा एलसीएम 60 आया इसके अंदर। अब हम 5 का पहाड़ा कहां लग पड़ते हैं, हमारे पास 60 आते हैं, 5 का पहाड़ा हम 12 लग पड़ते हैं, 60 आते हैं, उस 12 के साथ हम 2 की गुणा करेंगे, 12 2 24, यहां हम प्लस रख देते हैं, 10 6 60, उस 10 6 के साथ हम 3 की गुणा करेंगे, 6 3 18 प्लस 15 4 60 होते हैं, तो 4 के साथ ये 4 7 28 हमारी संख्या आ चुकी है। अब हम इन संख्याओं का प्लस कर देते हैं, 8 4 12, 12 8 20 की 0 हासिल, 2 बचती है, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 और बटे हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर कोई संख्या कटती है तो ये संख्या कटती है हमारे पास, इसमें 0 से 0 इसको हम काट देते हैं तो हमारे पास 7/6 संख्या बचेगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज ये क्वेश्चन भी आपको, ये सम्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं भाई जब तक आप दिमाग की अपनी कसरत करनी बहुत ही जरूरी है,
अगर आप अपने दिमाग की कसरत नहीं करते हैं तो आपको मैथ आना बहुत ही मुश्किल है, और मैथ को सीखने के लिए टेबल आनी बहुत ही जरूरी, मतलब पहाड़े जिसको हम बोलते हैं, अगर वो पहाड़े आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप किसी भी सम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पार्ट नंबर चार, मतलब जो पार्ट नंबर जो चार है, हमने एक दो तीन कर दिए है, अब हम पार्ट नंबर चार करेंगे। अब हम पार्ट नंबर चार करेंगे तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बेल प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके, और ऑल पर प्रेस जरूर करना भाई, सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। उसके बाद है पार्ट नंबर हम चार लेते हैं, एक बटा आठ और प्लस एक बटे सोलह, सॉरी तीन बटे सोलह और प्लस सात बटे सोलह। अब थोड़ी बड़ी संख्या आ जाती है हमारे पास, यहाँ अगर बड़ी आ जाती है तो उसका हम नीचे वाले संख्याओं का क्या लेते हैं, हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको टेबल आती है तो आप जो तीन तीन संख्याएं हैं तो तीनों के अंदर जो कॉमन, टेबल के अंदर जो कॉमन आता है वो हमारा एलसीएम होगा। तीनों के अंदर जो हमारा कॉमन होता है वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। भाई जैसे आठ तीय चौबीस, आठ चौके बत्तीस, आठ पांच चालीस, आठ छह अड़तालीस। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेते हैं, चौबीस तीय बेहतर होते हैं, चौबीस तीय बेहतर, सोलह के पाठन बेहतर नहीं होते हैं, और आठ छह अड़तालीस, चौबीस एकम चौबीस, चौबीस दूनी अड़तालीस, सोलह के पाठन अड़तालीस, चौबीस के पाठन अड़तालीस होते हैं, और सोलह तीय अड़तालीस होते हैं, और आठ छके अड़तालीस होते हैं। तो तीनों संख्याओं के अंदर व तीनों टेबल के अंदर अड़तालीस, फोर्टी एट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा कॉमन है। तो जो कॉमन होती है वही हमारा एलसीएम होता है। उसके बाद है हम यहाँ हम 48 ले लेते हैं। अब 8 की टेबल हम कहां लग पड़े, 6 आए, 8 की टेबल हम 6 लग पड़ते हैं, तो उस 6 के साथ है कि 6 एकम 6 डालेंगे, और यहाँ प्लस 16 तीय 48, 16 का पाड़ा हम 3 लग पड़ेंगे, तो 3 की और 3 की गुणा करेंगे, 3 दिया 9 आएगी। प्लस अब हम 24 की टेबल कहां लग पड़े, 48, 24 दूनी 48 आते हैं, तो उस 2 के साथ हम 7 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 9 23, 23 और 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 29, 29 बटे हमारे पास 48। मतलब फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें दिमाग को बहुत तेज गति से दौड़ाना पड़ेगा। 14 और 23, 23 और 6 29, 29 अगर चार जैसे जोड़ते हैं तो इसको फास्ट कैलकुलेशन हम बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास इन सभी संख्याओं का, तीनों संख्याओं का जोड़ करेंगे तो 29/48 आएगा, मतलब 29/48। अब ये किसी संख्या से हमारे पास, किसी भी टेबल से संख्या नहीं कटती है तो इसको हम यही छोड़ते हैं। भाई ये 2 से कटता है, 6 से कटता है, लेकिन 29 किसी की टेबल से नहीं कटता है। तो प्लीज दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था बिनों का जोड़ करना, हम उन बिनों को जोड़ करके आपको सिखाए हैं, ऐसे तरीके से समझाए हैं भाई ताकि आप उसे आसानी से समझ सके और अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर कर, लेकिन ऑल वाला बटन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद, आने वाली वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं।